छिंदवाड़ा शहर के छोटा तालाब से सुभाष पार्क के गेट पर रविवार शाम दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां गुब्बारे भरने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे दो लोगों की मौत हो गई। वहीं एक बच्चा समेत तीन अन्य घायल हुए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि गुब्बारे में सिलेंडर से गैस भर रहे बुजुर्ग के शरीर के चिथड़े उड़ गए। शरीर कई हिस्सों में पट गया। रास्ते से गुजर रहे पति पत्नी और बच्चा भी बुरी तरह चपेट में आ गए, जिसमें पति की जिला अस्पताल पहुंचते तक मौत हो गई। पत्नी, बच्चा व एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिनका इलाज अभी जारी है। एसपी संजीव उइके ने बताया कि सुभाष पार्क छोटे तालाब के सामने रविवार शाम लगभग 6:45 बजे गुब्बारा फुलाने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया था। धमाके में गुब्बारे में गैस भर रहे पुराना पावर हाउस 70 वर्षीय शेख इब्राहिम की मौके पर मौत हो गई। यहाँ से गुजर रहे रेलवे कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय मोहम्मद ताजुद्दीन अंसारी, उनके पत्नी सबा अंसारी, 9 वर्षीय बच्चा विस्मुल नबी के अलावा सुकलुढाना निवासी 35 वर्षीय सुरेश यादव को गंभीर चोटें आई है। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। रास्ते में ताजुद्दीन अंसारी की मौत हो गई, वहीं उसकी पत्नी और बच्चे को नागपुर रेफर किया गया। एक घायल जिला अस्पताल में भर्ती है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर भेजा, जिसमें स्थिति को नियंत्रित करने के साथ ही एम्बुलेंस से तत्काल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सिलेंडर में कौन सी गैस भरी गई थी और ब्लास्ट के क्या कारण है, टीम इसकी जांच करी है। शाम लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच में छोटा तालाब क्षेत्र में एक गुब्बारा भरने के सिलेंडर में अप्रत्याशित ब्लास्ट हो गया था और उसमें दुखद रूप से गुब्बारा बेचने वाले वृद्ध लगभग 65 वर्षीय और इसके साथ ही पास से गुजर रहे एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और इसमें 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति, एक महिला सामान्य रूप से घायल है और एक बच्चा लगभग 10 वर्ष का और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। उन सभी का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है और डॉक्टरों की निगरानी में उनका बेहतर इलाज किया। इस बात की जांच की जा रही है कि वो सिलेंडर में किस तरह के द्रव्य का उपयोग किया गया था। डीडीएस टीम को मौके पर भेजा गया है और केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भी जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई। प्रथम दृष्टया गुब्बारों में फिलिंग करने वाली जो सिलेंडर होता है उसमें एक अप्रत्याशित ब्लास्ट हुआ है, उसकी जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई। मैसेज न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से गजानन बोरकर की रिपोर्ट।